हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्लेट्स वाली कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसको हमने पहले 2 भागों में फोल्ड किया है। अब हम इसको 4 भागों में फोल्ड करेंगे। पहले हम कमीज की लेंथ लेंगे। हमारे कमीज की लेंथ 36 इंच तैयार है, जिसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए। टोटल हो जाएगा ये हमारा 39 इंच। तो यहाँ से हम 39 इंच लेंगे। अब हम यहाँ से तीरा लेंगे। हमारा तीरा 6.5 इंच तैयार है, तो यहाँ से हम 6.5 इंच लेंगे और शोल्डर लेंथ हम 1 इंच ज्यादा लेंगे, 7.5 इंच। यहाँ से भी 6.5 इंच। अब इन निशानों को हम मिलाएंगे। यहाँ से पहले हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे। हमारे चेस्ट 18 इंच तैयार है, जिसका आधा हुआ 9 इंच। 14 इंच पर हम कमर का निशान लेंगे। 21 इंच पर हम हिप का निशान लेंगे। 14 इंच तैयार है, जिसका आधा हुआ 7 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि 1 इंच की हमारी प्लेट आएगी, तो टोटल हो जाएगा जी 8 इंच। यहां से हम 8 इंच लेंगे। हिप हमारी 18 इंच तैयार है, जिसका आधा हुआ 9 इंच। यहां से हम 1.5 इंच ज्यादा लेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए, और यहां से भी 1.5 इंच ज्यादा, और यहां से भी, और यहां से हम 1.25 इंच की गुलाई पाएंगे। इसको हम कटिंग के निशान से मिलाएंगे। और यहां से हम 1.25 इंच की गुलाई पाएंगे आगे के। इसको हम सिलाई के निशान से मिलाएंगे। अब इन निशानों को हम मिलाएंगे। पहले हम पहली प्लेट पाएंगे। 11 इंच पर हम पहली प्लेट पाएंगे और यहां से हम 3.5 इंच का फासला लेंगे। प्लेट की लेंथ हम 7 इंच रखेंगे और यहां से भी 3.5 इंच। अब हम इस प्लेट का हाफ करेंगे, 3.5 इंच, और दोनों तरफ आधा आधा इंच लेंगे। अब इसको हम तिरछा मिलाएंगे। पहली प्लेट हमारी इस तरह से आएगी। अब हम दूसरी प्लेट पाएंगे। यहां से हम 6.5 इंच लेंगे और इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, और यहां में बीच में हम 2.5 इंच का फासला रखेंगे। और इसको हम इस तरह से पाएंगे सीधी, और यहां से भी आधा आधा इंच लेंगे।
और इसको भी हम तिरछा मिलाएंगे। प्लेट का फासला आपने 2.5 इंच का ही रखना है और इसको आपने तिरछा ही पाना है। अब हम यहाँ से तीसरी प्लेट पाएंगे कमर की, इसका फासला भी आपने 2.5 इंच ही रखना है, यहां से भी और यहां से भी। अब इसको हम इससे मिलाएंगे और यहां से भी आधा आधा इंच लेंगे। ये हमने तीनों प्लेट पा ली है, आपका नाप कोई भी हो आपने प्लेट इसी तरह ही पानी है। पहली प्लेट आपने 11 इंच पर पानी है, दूसरी प्लेट आपने 6.5 इंच पर पानी है और तीसरी प्लेट आपने कमर के निशान पर पानी है और तीनों प्लेट का फासला आपने बीच में 2.5-2.5 इंच का रखना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये वाली प्लेट हम बैक पर 2 पाएंगे। अब हम फ्रंट कलाई की कटिंग करेंगे। और दूसरी तरफ हम मार्क इसको इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए हमारी दूसरी तरफ इस तरह से मार्क आ जाएंगे, इसको हम बाद में डार्क कर देंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे, लेंथ हम 6 इंच लेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहां से 1/2 इंच की गोलाई पाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमने बाजू के लिए कपड़ा लिया है, इसको भी हमने पहले डबल फोल्ड रखा है, अब इसको हम 4 भागों में फोल्ड करेंगे। बाजू की लेंथ हमारी 17 इंच तैयार है, जिसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए, टोटल हो जाएगा ये 19। यहां से हम 19 लेंगे, ये हमारा 19 तैयार है। पहले हम नीचे आर्म होल रखेंगे, हमारा आर्म होल नीचे से 5 इंच तैयार है, तो यहां से हम 5 इंच लेंगे और 2 इंच हम कटिंग कर लेंगे। और यहां से हमारा आर्म होल 8 इंच तैयार है, तो यहां से हम 8 इंच लेंगे और 2 इंच हम यहां से भी कटिंग के लिए लेंगे। अब इन निशानों को हम मिलाएंगे। और यहां से हम 2.5 इंच की गोलाई पाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहां से आगे की गोलाई पाएंगे 0.25 इंच पर।
गुलाई हमारी इस तरह से आएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है और ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।